सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया जब आमिर खान की ऑन स्क्रीन बेटी दंगल गर्ल जायरा वसीम ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिंग को अलविदा कहकर सभी को हैरान कर दिया। जायरा ने फेसबुक पर अलविदा खत में लिखा, 5 साल पहले मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने का फैसला लिया और इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। लोगों ने मुझे खूब प्यार दिया, मुझे बहुत अटेंशन मिला, मुझे अलग पहचान मिली, यहाँ तक कि यूथ के लिए मैं रोल मॉडल बन गई। लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी इस पहचान से खुश नहीं हूँ। मैं कबूल करना चाहती हूँ कि मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ। ये सब मुझे एक गलत रास्ते पर ले जा रहा है, मेरे मजहब को खतरा पहुँचा रहा है और मुझे अल्लाह से दूर कर रहा है। इसलिए मैं आज ऑफिशियली ऐलान करती हूँ कि मैं इस फील्ड से खुद को अलग कर रही हूँ। जायरा वसीम के इस खत को देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर जायरा के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ गया। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं जायरा ने ये फैसला किसी दबाव में तो नहीं लिया, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2017 में भी जायरा वसीम के सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी गई थी कि वो फिल्मी करियर से तौबा कर लें। दरअसल 2017 में कश्मीरी मूल की जायरा वसीम ने तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की थी। महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की तस्वीर को जब जायरा ने ट्विटर पर शेयर किया तो वो बुरी तरह ट्रोल हो गयी। जायरा अलगाववादियों के निशाने पर आ गई थी और नतीजा ये हुआ कि जायरा को मुलाकात पर माफी मांगने की नौबत आ गई। इसके बाद जैसे तैसे ये विवाद शांत हुआ और जायरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। इसके बाद जायरा ने सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों में काम किया। जल्द ही वो द स्काई इज पिंक में नजर आने वाली है। ऐसे में इस तरह अचानक उनका ये फैसला लेना सवाल तो खड़े करता ही है।